पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। बिजली पोल में करंट आने एवं वहां के आसपास के भूस्थल में करंट प्रवाहित होने से 2 बैल एवं 1 गाय की मौत हो गई। बुआई के मौसम में किसानों पर आया आफत। रामकंडा प्रखंड अंतर्गत बलीगढ़ पंचायत के रोहड़ा ग्राम निवासी परियाग यादव का 2 बैल और 1 गाय की मौत करंट लगने से हो गई। घटना मंगलवार रात की है। घटना के संबंध में परियाग यादव ने बताया कि बैलसारी में करीब 10 से 11 के बीच पशु बंधे हुए थे। मंगलवार की रात 11 से 12 बजे के करीब बिजली की तार धूं धूं कर जलने लगी। इस बाबत में हमने घर से बाहर निकला तो देखा कि बैल सारी में बंधी हुई हमारे बैल हड़बड़ाकर घटना स्थल पर गिरने लगे। हमने तुरंत बैलों को खोला, कुछ को खोलकर भगा दिया और कुछ बैलों को खोल ही रहा था, लेकिन सभी बैलों को हम नहीं खोल पाए। इसी क्रम हमारे 3 पशुओं की मौत हो गई और हम नहीं बचा सके। इन दिनों बुआई जुताई का मौसम चल रहा है और किसानों की खेती का काम बैलों पर ही निर्भर है। ऐसे में आए दिन बिजली पोल में करंट आने से वहां के आसपास के स्थलों में करंट प्रवाहित हो जाने से पशुओं की जान तो जा ही रही है, हम मानव पर भी मुसीबत आ गई है, लेकिन बिजली विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल परियाग यादव नामक किसान के बैल मरने से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई बिजली विभाग को करनी चाहिए। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के बीच किसानों की हालत एक तो अपने ही खराब है, दूसरी यह घटना भी झकझोर के रख दी है। क्या हुआ था? कब? 12 बजे। अच्छा, किसका किसका बैल है? हमरे तीनों। हाँ, तीनों बैल है। गाय है। बिजली करंट आ गया था, जब इसको खोलने आया था आपको भी करंट लगा सका? हल्का मरले रहे, लोहा देख ली तब करंट में मन साबुत के, लेकिन करंट आ गया। अच्छा,